तो हेलो भाई, दिस इज अंशुल माल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और भाई आज हम ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा XUV 3XO का, और इसका ये AX5L वेरिएंट है। L फॉर लग्जरी होता है, और कुछ मत सोचना। और ये जो है पेट्रोल ऑटोमेटिक में रहने वाली, अपनी टर्बो इंजन 1.2 लीटर का टर्बो इंजन रहेगा, पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो आइए चल रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कैसी चलती है गाड़ी। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी और वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छी लगे। तो चलिए चला कर देखते हैं कैसे चलती है गाड़ी, और फिर मैं आपको अपना रिव्यू देता हूँ। तो भाई अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महिंद्रा की XUV 3XO का ड्राइव रिव्यू, और ये टर्बो पेट्रोल है, TGDI जो इंजन आता है, ऑटोमेटिक है, और इसको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे ही हम देखो इसको डी में लेके आते हैं, और यहाँ पे जो इसका कैमरा वगैरह जो है ऑन हो जाता है, फ्रंट का भी पूरा दिखता रहेगा गाड़ी से। इसमें आपको जो है ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह मिल जाते हैं, और अभी हम चला के देखते हैं। जूम मोड में चल रही है, जो इसका टॉप मोस्ट मोड है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा आता है। यहाँ से जो आप ड्राइव मोड्स अपने चेंज कर सकते हैं, और स्क्रीन से भी कर सकते हैं। और ये मैं पुश करता हूँ तो एक बढ़िया पंच देखने को मिल रहा है इस गाड़ी में। स्टीयरिंग फीडबैक भी जो है काफ़ी बढ़िया है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है गाड़ी की। स्टीयरिंग जो है लो स्पीड में भी जो है अपनी टाइट रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लूज हो। वेट है स्टीयरिंग के अंदर, तो कनेक्टर हो गया आप रोड से, ये एक अच्छा गाड़ी है। शुरू से ही जो है ड्राइवर्स कार रही है, काफ़ी मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में, और पिकअप बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। जैसे ही आप मतलब एक्सलेट करोगे तो एकदम से जो है पुश करेगी, और ये टर्बो इंजन का यही फ़ायदा होता है। और AX5L मॉडल है ये, टॉप से नीचे वाला, मज़ा अलग है यार। कुछ भी कह लो, ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है, जहाँ आप पुश करोगे बस एक सेकंड का, आधे सेकंड का आप डिले कह सकते हो जैसे पंजा रखोगे, और उसके बाद से जो है एकदम फुल झटका मारेगी गाड़ी। सस्पेंशन भी अच्छे हैं गड्ढे में, कोई आवाज़ नहीं सस्पेंशन में, कंफर्टेबल राइड है। देखो मैं अभी गड्ढों से निकालिए तो कोई सस्पेंशन में फालतू की नॉइज नहीं है, बिल्कुल प्यार से ग्लाइड करती निकल जाती है। महिंद्रा आजकल सस्पेंशन में काफ़ी काम कर रही है, तो वो है आप देख सकते हो, कोई एक्स्ट्रा नॉइज नहीं है गड्ढों की। और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी लगी मेरे को गाड़ी की, एकदम से कंट्रोल में आ जाती है। बाकी एक बार इसको थोड़ा सा मोड चेंज करके देखते हैं, अभी जैप मोड में लगा के देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। अभी मैंने जैप मोड में कर दिया, जैप मोड में भी बस 19-20 का ही फर्क है, कोई ऐसा खास फर्क आपको नहीं मिलेगा कि बिल्कुल ही गाड़ी की पावर कम हो जाएगी। हाँ थोड़ा सा रिस्पांस जो है कम करती है, थोड़ा सा लेट रिस्पांस करती है, लेकिन रिस्पॉन्सिव है इंजन अब भी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सिटी में जो है जैप में आराम से चला सकते हैं, जूम आप तब लगा सकते हो जो आपको थोड़े मजे करने हो गाड़ी से, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। देखो फटाफट जैप में भी जो है बढ़िया ओवरटेकिंग कर रही है, और अभी हम इसको कर लेते हैं जिप में। अब इसका लोएस्ट मोड लग गया है, मतलब गाड़ी इकोनॉमी के लिए सिटी में ड्राइव करने के लिए सही है। इसमें पुश करके देखते हैं, और भाई सच बताऊं तो इसमें भी गाड़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, कभी आपको अंडर पावर फील नहीं होगी कि दब रही है गाड़ी। पर इसमें वो है कि जो टर्बो वाली फील है वो कम हो जाती है, कि गाड़ी जो है पुश कर रही हो खुद को वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन पावर की कोई कमी नहीं रहेगी आपको, कि नॉर्मल सिटी में चलाने के लिए बहुत अच्छी पावर इसमें भी जिप मोड में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और स्टीयरिंग भी देखो अभी मैं छोड़ के चला रहा हूँ, बाकी इसमें आपको एडास वगैरह सब कुछ मिल जाता है, वो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा खास काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी हम जो है लोकल एरिया में ही है, वो रोड की मार्किंग्स के हिसाब से जो है चलता है एडास। और ये कुछ इस तरीके आपको इसका डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो ड्राइव रिव्यू ये, बाकी मैं आपको सारी जो है डिटेल्स दे दूंगा इस वीडियो में गाड़ी की। तो मेरी तरफ से थम्स अप है इस गाड़ी के लिए भाई, अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले लीजिए, मज़ा ही है भाई गाड़ी को चलाने में। और एवरेज भी इसकी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि 1500cc का इसमें टर्बो इंजन मिल जाता है। और जैसे ही हम देखो इसको पार्किंग में कर देंगे तो पीछे की साइड से जो है कैमरा जाएगा, तो ये छोटे छोटे फीचर जो है काफ़ी फैंसी बनाए थे गाड़ी को, और काफ़ी अच्छी जो है लग रही है। और ये हो गए आपके
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग में अपने आप एंगेज हो जाता है जैसे आप पार्किंग में कर देते हैं। तो अब देखो ABS जो ऑफ है इसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। तो भाई मैंने जो है गाड़ी को चला कर देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये गाड़ी, बहुत ही अच्छी चल रही थी गाड़ी। और 3XO जो है पहले से ही मतलब 3800 के नाम से जो आती थी वो बहुत ही अच्छी थी। डीजल में तो उसका दीवानापन अलग ही था लोगों को, ड्राइविंग में बहुत ही अच्छी गाड़ी रही है। और अब भी जो है अच्छी, चाहे पेट्रोल मिलो चाहे डीजल मिलो अलग है। लुक्स वगैरह आपकी सब्जेक्टिव, अगर आपको अच्छी लगे तो। बाकी इंटीरियर से गाड़ी बहुत अच्छी फील देती है और इस प्राइस पॉइंट पर जो है काफ़ी अच्छी गाड़ी रहने वाली है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार अगर आप इस प्राइस की गाड़ी कोई लेने जा रहे हैं कॉम्पैक्ट SUV, तो आप जो है ज़रूर इसको चला के देखें। और मेरे लिए, मेरी तरफ से जो है थम्स अप है इस गाड़ी के लिए। और बाकी भाई इससे रिलेटेड जो मैंने सारे फीचर से रिलेटेड जो है AXIL की जो है वीडियो डाल रखी है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। आगे मैं अभी आपको जो है लिंक भी डाल दूंगा उसका आई बटन पे, तो आप जो है वो भी वीडियो देख लेना। फीचर्स से रिलेटेड और ड्राइविंग से रिलेटेड मैंने आपको बना दी है। और अगर आपको और भी किसी गाड़ी की जो है वीडियो वगैरह चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।